हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 6 लेक्चर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने बात की थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिक हायरार्की को। हम वहाँ पर बोल रहे थे कि अगर हम टेक्सोन या जो कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमिक उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कह रहे थे। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सबसे पहले लीनियस ने अरेंज किया था, इसलिए उसे हम लीनियन हायरार्की भी कह रहे थे। उसमें हमने बात की थी स्पीसीज और जीनस की। तो आज हम यहाँ पे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम की बात करेंगे। तो जो हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर आपने कुछ पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे हमने आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है दो शब्दों का होता है, क्योंकि बाइनोमियल लीनियस ने सबसे पहले प्रपोज किया था। उन्होंने क्या किया था कि किसी भी एनिमल को क्लासिफाइड करेंगे तो जीनस और स्पीसीज जो है उन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो उसे हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। किसको किसको? जीनस और स्पीसीज को। जीनस और स्पीसीज को एक साथ लिखने पर जो हमें मिलेगा उसे हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आम का मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा जीनस को, इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट सबसे पहले जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेगा उसका नाम हम साइंटिफिक नेम में सबसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे मेंजीफेरा LIN, मतलब क्या है कि मेंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है जिसको सबसे पहले लीनियस ने रखा था। यहाँ पे मैग्नीफेरा जो है जीनस को, इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं तो उन्हें एक स्पीसीज में कहा जाता है। दो या दो से अधिक स्पीसीज अगर आपस में कैरेक्टर शेयर करते हैं तो उन्हें एक जीनस में रखा गया है। अब क्वेश्चन आया कि अगर दो या दो से अधिक जीनस कैरेक्टर को शेयर करे तो उन्हें एक साथ किस में रखा जाएगा? तो उन्हें एक साथ एक फैमिली में रखा जाता है। क्लोजली रिलेटेड जेनरा का जो एग्रीगेशन है या एग्रीगेटेड रूप है उसे हम फैमिली कहते हैं। तो फैमिली क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस और स्पीसीज। जीनस सबसे ज़्यादा कैरेक्टर शेयर कौन करेगा? स्पीसीज। सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उससे थोड़ा कम क्लोजली रिलेटेड जीनस, उससे थोड़ा कम हमारा फैमिली आएगा। जैसे फैमिली के लिए हम दोनों कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, वेजिटेटिव को भी, रिप्रोडक्टिव को भी। यहीं पे अगर हम बात करें स्पीसीज की तो वहाँ पे क्या था? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, वेजिटेटिव को भी, रिप्रोडक्टिव को भी। यहाँ पे दिया गया है फैमिली। जैसे जो हमारा जीनस है सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया, इन तीनों को एक साथ एक फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अब सोलेनेसी को ध्यान से देखिए, SOLELANACNACEA। सोलेनेसी के लास्ट में जो है यूज किया गया है ACEA। किसी भी वर्ड के लास्ट में जो भी यूज होता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो फैमिली के लिए सफिक्स जो है ACEA होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी MCQ में पूछ लेता है फाइंड आउट द नेम ऑफ फैमिली। तो आप फैमिली का नाम नहीं याद रख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आप हमेशा सफिक्स को ध्यान में रख के ही फैमिली को फाइंड आउट करते हैं। यहीं पे अगर फैमिली की जगह सब फैमिली हो जाए
तो वहां पे सफिक्स ओ आई डी ई ए होगा, मतलब क्या लास्ट में ई ए तो होगा ही, सिर्फ ए सी की जगह ओ आई डी लिखेंगे हम। अगर फैमिली कैरेक्टर को शेयर करें, दो या दो से अधिक फैमिली के अगर कुछ कैरेक्टर आपस में शेयर कर रहे हो, तो उन दोनों फैमिली या जो भी फैमिली कैरेक्टर शेयर करते हैं उन्हें एक साथ एक ऑर्डर में रखा जाता है। तो असेंबलीज ऑफ अ फैमिली विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर कॉल्ड अ ऑर्डर, उन्हें एक ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे फेलीडिया और कैनिडिया, ये दोनों क्या है, अलग अलग फैमिलीज हैं, पर इन दोनों को कार्निवोरा में रखा जाता है क्योंकि ये मांसाहारी है, ये मांस खाते हैं। तो उसी तरह प्राइमेटा को, मंकी गोरिल्ला गिब्बन, ये तीनों अलग अलग फैमिलीज हैं, इन तीनों को एक साथ एक ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है। उसी तरह पॉली मोनी मोनियल्स को, कॉर्न वॉल व्यू लिएसी सोलेनेसी, इन दोनों में, इन दोनों फैमिलीज को एक साथ पॉलीमो नियल्स में रखा गया है। इन केस ऑफ द प्लांट ऑर्डर जो होता है उसके लिए सफिक्स ए एल ई एस यूज होता है, इन केस ऑफ द प्लांट। इस पे उससे पहले आपने फैमिली में क्या पढ़ा था, ए सी ई ए सी ई, ये सब प्लांट के केस में बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्डर है तो ए एल ई एस यूज होता है। जो हमारा पॉलीमोनियल्स है ये फ्लोरल कैरेक्टर के हिसाब से रखे गए, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन, और सफिक्स ए एल ई एस होता है। अगर दो या दो से और अधिक ऑर्डर आपस में कुछ कैरेक्टर को शेयर करें तो उन्हें एक साथ लीनियंस ने एक क्लास में रखा गया रखा था, मतलब क्या है, असेंबलीज ऑफ ऑर्डर विच एक्सिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर क्लास में होते हैं, एक क्लास में, जैसे मेमेलिया, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों अदर अदर ऑर्डर हैं, इन दोनों ऑर्डर को एक साथ एक क्लास मेमेलिया में रखा गया है। अब अगर ऑर्डर जो है शेयर कर रहा था तो उन्हें एक क्लास में रखा गया। अब कुछ क्लास ऐसे हैं जो कि कैरेक्टर को शेयर करते हैं, तो ऐसे शेयर करने वाले क्लास को एक साथ एक फाइला में रखा जाता है, जैसे फिश, एम्फीविया, रेप्टाइल और बर्ड्स, इन सबको एक साथ एक फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। अब अगर इन केस ऑफ द प्लांट बात करें तो प्लांट में क्लास का जो एग्रीगेशन या असेंबलीज है उन्हें हम डिवीजन कहते हैं। इकलर ने सबसे पहले यह शब्द यूज किया था डिवीजन का, फाइलम लीनियस ने यूज किया है। लास्ट है किंगडम, फाइलम का एग्रीगेटेड रूप, जो भी फाइलम करेक्टर शेयर करता है उन्हें एक साथ एक किंगडम में रखा गया है। जैसे एनिमेलिया सारे एनिमल और प्लांटी सारे प्लांटी एक साथ एक किंगडम में हैं। एनिमेलिया के अंदर जो है हमारा कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा दो अलग अलग फाइलम आते हैं। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है, इधर मैंने एनिमल्स का दे रखा है, तो देखते हैं एनिमल में मैंने होमोसेपियंस का दे रखा जो कि ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, जो मैंने नहीं लिखा है किंगडम एनिमेलिया होगा, उसके बाद हम फाइलम लिखते हैं, उसके बाद क्लास ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, जीनस लिखते हैं, स्पीसीज लिखते हैं। तो फाइलम जो है कॉर्डेटा है, हमारा क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है, और फैमिली होमिनीडिया है, जीनस होमो है, और स्पीसीज हमारा सेपियंस है। इन दोनों के एक साथ लिखेंगे, होमोसेपियंस तो साइंटिफिक नेम है, हमेशा साइंटिफिक नेम जो है इटालियन में लिखा जाता है, और नहीं तो सीधा लाइन लिख के सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से हम लिखते हैं। इन केस ऑफ द प्लांट जो है सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, हम फाइलम की जगह क्या यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं। तो फाइलम की जगह यहाँ पे देखिए डिवीजन यूज किया गया है, यहाँ पे क्या होगा हमारा किंगडम प्लांट ही होगा, और डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मिया, क्लास हो गया डाइकोटिलीडिना, ऑर्डर हो गया सेपिनिडल्स, फैमिली हो गया एनाकार्डियेसी, जीनस हो गया मेंजीफेरा, स्पीसीज हो गया इंडिका, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम हमारा मेंजीफेरा मैग्निफेरा इंडिका हो जाएगा। तो
यहाँ तक जो है आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ख़त्म होता है। इसके बाद जो है टेक्सोनॉमिक एड्स है कुछ और म्यूजियम सब हैं, तो उसके ऊपर भी हम आपको 3-4 लेक्चर में उसको ख़त्म करके चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको जूम ऐप के लिंक मतलब जूम ऐप के आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।